विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठा सकता है संसद सत्र को लेकर, बड़ा अपडेट, बड़ी खबरें मिल रही हैं। और खबर ये मिल रही है कि जो विपक्ष है वो सरकार से कई सवाल पूछ सकता है, और जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त देश में वो शिक्षा प्रणाली को लेकर है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर, विपक्ष पूछेगा क्रिमिनल लॉ को लेकर क्या कुछ अभी सरकार की रणनीति है, विपक्ष का शेयर बाजार में गड़बड़ी का भी आरोप है। संसद सत्र को लेकर ये बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, और चूंकि राकेश ने कहा विपक्ष के कई सांसदों से बात हुई है और उनकी अपनी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, चूंकि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी सुबह 10 बजे मीटिंग होनी है राकेश, और ये सभी मसले जो शिक्षा प्रणाली के साथ साथ शेयर मार्केट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और बाकी मुद्दों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। देखिए साफ तौर पे क्योंकि तैयारी किस तरह से है इसको लेकर सरकार भी अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तौर पर तैयारी को की है। ये मैं आपको यहाँ पर कार्ड को दिखाना चाहूँगा, ये क्या इसी ड्रेस ये रखा गया है? जी सर, ये नया ड्रेस है, जो कार्ड देखिए इसी पर सांसद को आप वहाँ से लाएंगे। जी सर, है ना जी सर। कौन गेट से लाएंगे? टैंगो टू से। तो ये रेड क्रॉस रोड, तो रेड क्रॉस रोड से ये जो आपको पहली बार रचना ये दिखाई देखिए कार्ट है, और थोड़ा कार्ट में हमको भी सवारी कराइए चलिए। तो ये कार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्ट है ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, सांसदों को यहाँ पर लाया जाएगा। और ये टैंगो टू जो कि है, और पहले ये आप देख सकते हैं कि ये CISF के सुरक्षाकर्मी हैं, और साथ ही साथ ये और दिल्ली पुलिस, और ये देखिए किस तरह से ये फूलों से सजाया गया है। बंधु मेरे को, अच्छा राकेश आपने कहा ये पहली बार ये इंतजाम किए गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए सुरक्षा के लिहाज से जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है। पहले यहाँ पर गांधी मूर्ति यहाँ पर थी, लेकिन गांधी मूर्ति को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है, और यहाँ पर देखिए सभी पेड़ों को किस तरह से फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। तो ये पूरी तौर पर जो सूरत हाल है, 18वीं संसद का पहला सत्र, और पूरी तौर पर जो संसद जो है तैयार है नए सांसदों के स्वागत के लिए, और ये तैयारी साफ दिखाती है। लेकिन ये जरूर है कि मसला विपक्ष के तर्कस में कई तीर हैं जो कि विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा, और जिस तरह से मजबूत विपक्ष का लगातार बातें कही जा रही है, अब ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार इसको लेकर क्या काट निकालती है। रचना, अब सरकार क्या काट निकालेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो सजावट है, जो तैयारियां हैं, वो राकेश कुमार सिंह हमें लगातार दिखा रहे हैं। राकेश आप रहिएगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की आज बड़ी भूमिका होने वाली है। आप 2 दिन लगातार सांसदों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करेंगे, और प्रोटेम स्पीकर जो 2 बार से बीजेपी के सांसद चुने जा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। 2019 में वीरेंद्र कुमार को चुना गया था, आप बीजेपी से आते हैं 7 बार के सांसद, और इस बार 2024 में चुनाव किया गया है भर्तहरि मेहताब का, उम्र इनकी 66 साल है, बीजेपी से आते हैं, 7 बार के लगातार सांसद हैं, और इसीलिए विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं के सुरेश का नाम यहां पर आया। अब ये दावा भी है कि भाई 8 बार के वो सांसद हैं तो उनकी मजबूत दावेदारी होती है। राकेश, पहले वीरेंद्र कुमार 2019 में और अब भर्तहरि मेहताब 2024 में, विपक्ष पूछ रहा है कि ये पक्षपात आखिर क्यों, के सुरेश क्यों नहीं? देखिए सीधे तौर पर मैंने बताया कि जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे ITV नेटवर्क को बताया था कि लगातार 7 बार के जो सांसद हैं भर्तहरि मेहताब, 8 बार के सांसद जरूर हैं के सुरेश, लेकिन लगातार नहीं है, इसमें जो है गैप है। तो ऐसी स्थिति में इन चीजों को ध्यान में रखा गया है। इस पर राजनीति, सरकार का कहना है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, और लेकिन राजनीति होगा क्योंकि जिस तरह से जो परिणाम है 18वें संसद के, इसका असर आपको दिखाई देगा। अब असर तो दिखाई देगा, और अलग अलग तरीके से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि विपक्ष लगातार मीटिंग्स के दौर चला रहा है, और इन मीटिंग्स के दौर के बीच में अलग अलग स्ट्रैटेजी भी विपक्ष के सामने आने वाली है, जिसमें देश की शिक्षा प्रणाली भी होगा और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव भी इस मामले में बड़ा यहां पर साबित होने वाला है।